सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक BX कॉइन के बारे में एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उसका मतलब है बिटकॉइन एक्स, जिसकी आज से KYC स्टार्ट हो गई है। तो आप अपनी जाके KYC स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने ज्वाइन किया है तो। अगर आप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। तो इसकी KYC करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या हुआ, अपने जो आपको USDEX वॉलेट है आपको सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको ये नो मेटामास्क इंस्टॉल ऐसा कुछ इशू दिखा रहा है। आप ये वेबसाइट है इसलिए अभी ऐप से लिंक नहीं हो सकता, इसके लिए आपको इसके जो क्रिप्टो का ब्राउजर है उसमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो आपको जो जिस ब्राउजर में आपने ये वेबसाइट ओपन कर रखी है उसका ये लिंक आपको ऊपर से यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने जो मेटामास्क वॉलेट पर। मेटामास्क वॉलेट यहाँ पे ओपन कर लिया है और आपको श्योर कर लेना है कि आपकी जो मेटामास्क वॉलेट है वो आपका BNB स्मार्ट चेन पर ही होना चाहिए। अगर इथेरियम पर है तो आप उसको BNB पर स्विच कर लेना, ठीक है। श्योर करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करने के लिए आपको सेटिंग से लेफ्ट साइड में जो पहला बटन है आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो आपको सामने क्रिप्टो ब्राउजर ओपन हो जाएगा जहाँ पर हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको वहाँ पर एक सर्च बार दिख रहा होगा, उस पर आपको जो लिंक मैंने आपको क्रोम से कॉपी कराया था वो लिंक आपको पेस्ट करके और वहाँ पे सर्च कर दें। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है। तो आपको जो आपका जो यहाँ पर यूज़र नेम है, आपका यूज़र नेम और अपना पासवर्ड करके यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। देख सकते हो कि मैंने अपना अकाउंट यहाँ से अभी मैंने अपना अकाउंट जो यहाँ से अपने लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको USDEX वॉलेट जैसे आप क्लिक करोगे ना तो अगर आपका पहले से कनेक्टेड होगा, मतलब जैसे आपने लॉगिन किया तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड दिखा देगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आपको DX वॉलेट जैसे आप शुरुआत में यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा कनेक्ट का, उस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपको करना है यहाँ पे कंप्लीट KYC पे क्लिक। फिर आप जैसे कंप्लीट KYC पे क्लिक कर दोगे तो इसमें KYC कंप्लीट होने के लिए इसमें कुछ BNB की फीस चाहिए होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फीस वाली विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है कि यहाँ पर ये KYC कंप्लीट करने के लिए आपको 0.0035 BNB चाहिए, जिनकी वैल्यू होती है डॉलर में $1.33 आपको अपनी KYC के लिए यहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अगर आप अपनी KYC करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिपॉजिट करके अपनी KYC इस तरीके से कर सकते हो।